हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग HTML को सीखेंगे। तो HTML में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि बिग एंड स्मॉल के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे HR टैग के बारे में, ठीक है। तो HR टैग में हमने पहले से ये कोड को करके रखा है ताकि समय बच जाए, ठीक है। समय जो टेक्स्ट ये कोड लिखने में लगेगा वो चीज बच जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी कारण हमने टेक्स्ट को पहले ही कोड को लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड को सबसे पहले समझाते हैं। डॉक टाइप HTML एप आपको लिखना है। उसके बाद HTML का ओपनिंग टैग है, तो इसका क्लोजिंग भी टैग है, देख सकते हो। और यहाँ पे हेड का भी ओपनिंग टैग है, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी है। टाइटल का भी सेम है, टाइटल का भी ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी है। बॉडी का भी ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी है। उसके बाद H1 लगा हुआ है, तो H1 में भी देख सकते हो ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। और H1 के नीचे P टैग लगा हुआ है, तो P टैग भी पैराग्राफ टैग होता है, तो इसमें भी जो लिखा हुआ है वो चीज़ लिखा हुआ है। और उसके उसके नीचे क्या है, यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो P टैग में, ठीक है। इसीलिए मैं टेक्स्ट को आपको ये यहाँ पे टेक्स्ट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये थी मतलब इस चीज पे रिक्वायर नहीं है, ये रिक्वायर नहीं है कि आप मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वही चीज आपको भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि HR टैग को लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे HR टैग का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंट ये क्या करता है कि हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। थ्योरी जो बात है, थ्योरी का जो रूल है वो आप क्या कीजिएगा, बुक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। HR टैग का मतलब होता है बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये क्या, कहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करेगा, इसके नीचे करेगा। ये जो टेक्स्ट पैराग्राफ है इसी पैराग्राफ के नीचे हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करेगा। तो देख लेते हैं ये क्या क्रिएट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लाइव सर्वर स्टार्ट कर लीजिएगा कंट्रोल एस करके, मैंने स्टार्ट करके रखा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ के नीचे जो है आपका हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे H2 लगा हुआ है, अबाउट अस बना हुआ है, और इसके नीचे भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के नीचे भी HR टैग लगा हुआ है, तो क्या इस पैराग्राफ के नीचे भी है, तो देख लेते हैं है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके नीचे भी है, ठीक है। अबाउट H2 टैग है, H1 तो उस बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, और H3 उससे भी छोटा होता है, H4 उससे भी छोटा होता है, H6 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे भी एक हॉरिजेंटल लाइन है, और अदर सर्विस के नीचे भी हॉरिजेंटल लाइन है, और कॉन्ट्रैक्टर्स के नीचे भी कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे लगाया नहीं गया, हम लगा के दिखाएंगे आपको हम, ठीक है। अबाउट अस जो है यहाँ पे आपका लिखा दिया हुआ है, और अदर सर्विस के नीचे भी होगा, तो हम दिखा देते हैं आपको कोड को। तो अदर सर्विस यहाँ पे लगा हुआ है, और UL जो है, LI जो है, LI टैग और UL टैग ये सब बताएंगे, लिस्टिंग का ये बताएंगे, ये ऑर्डर का होता है, ठीक है। इस चीज के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। तो HR टैग यहाँ पे लगा हुआ है, इसी कारण ये सर्विस 3 के नीचे आपका HR टैग लगा हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है। और इसके नीचे इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसके नीचे है नहीं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे HR टैग दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं, तो क्या करेगा कि इसके नीचे भी HR टैग लगा देगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देगा। कंट्रोल एस करते हैं, अब लाइव देख लेते हैं इसको ब्राउजर पे लगाया है कि नहीं। देखो यहाँ पे लगा दिया ना, अगर वहां पे नहीं दिया रहता तो नहीं नहीं लगाता, ठीक है। मैं यहाँ से अगर रिमूव कर देता हूँ इस लाइन से, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा इसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके, तो ये सॉरी गाइस, इस तरह से कमेंट इसमें नहीं होता, इसमें आपका इस तरह से होता है। ओके, और सॉरी गाइस, ओके, और कहाँ जहाँ तक आपको कमेंट बनाना है वहाँ तक अब बनाओ। सॉरी गाइस, ओके चलो ठीक है, ओके चलो ये ओके। तो यहाँ इसको मैंने कमेंट बना दिया, तो अब देखना है ये इस सर्विस 3 के नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और हम लाइव सर्वर पे जाते हैं, तो देख सकते हो इसके नीचे हॉरिजेंटल लाइन हट गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा HR टैग के बारे में, ठीक है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।